गाइस मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। पिता का छूटा काम तो मासूम के कंधे पे आया पूरे परिवार का भार और कर रहे हैं ये काम। चलिए जानते हैं क्या है ये भावुक कर देने वाला मामला जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने मुरारी गाँव से आ रहा है, जहाँ पर 15 वर्षीय रोहित कुमार जो है वो अपनी बहन के साथ घर घर जाके हरियां सब्जियां बेच रहा है और दूसरी ओर उनके पिताजी जो है वो दूसरे ठेले पे दूसरे एरिया में जाके सब्जियां बेचने का काम कर रहे हैं। जब रोहित से बात की गई तब उनका कहना ये है कि पहले लॉकडाउन से हम उभर नहीं पाए, सरकार ने दूसरा लॉकडाउन लगा दिया और दूसरे लॉकडाउन लगाने के बाद उनके पिताजी का जो काम है दिहाड़ी मजदूरी करते थे उस वक्त ये छूट गया है। इस दौरान ही परिवार का तो पेट पालना है, पैसे तो होने चाहिए और उस दौरान ही हमने ये काम पकड़ लिया। जिस वक्त इनके हाथ में कलम और पुस्तक होनी चाहिए वहाँ पर इनके हाथ में ठेले हैं और सब्जियां बेचने का काम है। कुछ लोग इनसे ये सब्जियां लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते। कड़कती धूप में ये बच्चे जो है इधर से उधर भटकते हैं और शाम को घर आते हैं बटोर के पैसे, जो कि एक्चुअली में एक वक्त की इनके लिए रोटी हो पाए। उस दौरान ही रोहित से पूछा गया तब उन्होंने ये चीज बताया कि उनके पापा पहले काम करते थे, दो वक्त की रोटी कैसे न कैसे करके जुटा लेते थे, पर अभी जिस तरीके से हम उभर नहीं पा रहे हैं उस तरीके से सरकार जो है वो और भी ज्यादा लॉकडाउन लगा रही है। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए हम गरीबों के लिए। तो अभी आप ही बताइए, जो गरीब एक्चुअली में एक वक्त की रोटी खाने के लिए एक वक्त का ही काम करते थे, एक दिन में ही काम करते थे, उनकी इस वक्त सिचुएशन क्या होगी। हालांकि आप लोगों को इस प्रॉब्लम से या टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आप उनसे काफी ज्यादा अच्छी हैं, घर में बैठी हैं, सेफ है। वो टेंशन जो एक्चुअली में उनके सर पे, सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ बोलना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।